सपने जैसा लग रहा है। तैयारी में मेहनत तो इतनी ज्यादा कि बहुत खुशी हो रही है कि चलो सफर खत्म हुआ, सिलेक्शन हो गया। काफी मेहनत लगी, मैं एक रोल मॉडल सर्व कर सकूं सबके लिए कि इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में एक 22 ईयर ओल्ड होते हुए भी आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। अगर आप सिंसेयर हैं, हार्डवर्किंग हैं, डिटर्मिंड हैं, तो सब कुछ पॉसिबल। पेशेंस और डिटर्मिनेशन, पेशेंस इस एग्जाम में बहुत ज्यादा लगता है। ये एग्जाम तकरीबन एक पूरे साल चलती है और हर दूसरे दिन बहुत डिप्रेस लगता है, इतनी टफ एग्जाम है, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उस टाइम पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप नहीं खोनी चाहिए एंड डिटर्मिनेशन तो यही होनी चाहिए कि हम एक भी दिन वेस्ट ना करें, जितना हो सके उतना पढ़ें। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें मेरे लिए दे वर्क, दिस वर्क फॉर मी। इट्स टोटल सरप्राइजिंग थिंग फॉर अस, वी आर सो सरप्राइज एंड ओवरवेल्म्ड and she's just 22 years and this is her first attempt and she has cleared it. She has made us proud. We are all proud of her and she has been a topper in school also, college also, so really she has made us all of us proud. Meri bachchi ne itni mehnat ki hai, 10-10 ghante matlab mujhe bolna padta tha, nahi ab so jao beta, ab so jao. ये पूरा मतलब ये इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है वो मैं जानती हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरिट लिस्ट में आ जाएंगी लेकिन टॉप करेंगी। मेरे लिए बहुत बड़ा भगवान का गिफ्ट है, इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती।